बड़वानी, अंधे कत्ल का पुलिस ने किया पर्दाफाश। 17 दिसंबर को 52 गजा में मिली अज्ञात युवक की लाश मामला। पुलिस ने हत्या के मामले में दो लोगों को लिया हिरासत में। 52 गजा के जंगल में एक अज्ञात युवक की लाश मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया था, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने बताया, मृतक की पहचान पाटी थाना क्षेत्र के निगरानी बदमाश साधु के रूप में हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच की दिशा तय करते हुए दिलीप व साईराम नामक दो लोगों को हिरासत में लिया, जिन्होंने घटना को अंजाम देना कबूल करते हुए बताया कि उनका साधु से पुराना विवाद था और उसी की रंजिश के चलते उन्होंने साधु की हत्या कर उसका शव 52 गजा के जंगल में फेंक दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जिन्हें न्यायालय पेश किया जाएगा। दिलीप और साईराम दोनों से इसका विवाद था, दोनों ने आपसी पुरानी रंजिश के चलते योजना रची और इसके साथ इन्होंने इसको रास्ते से हटाने के इरादे से 16 तारीख को इसका मर्डर किया और घटना छिपाने के उद्देश्य से इन्होंने 52 गजा में ले जाके इसका शव फेंक दिया था। पुलिस ने इसमें मृतक को भी आइडेंटिफाई किया, घटना का पूरा खुलासा किया और दोनों आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पानसेमल नगर में रात्रि में कॉलोनी में चोरी की वारदात हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर की मात्र पितृ कॉलोनी निवासी कृष्णा चौधरी के मकान से पेटी उठाकर ले गए। पेटी में रखे 12,000 रुपए व कपड़े रखे हुए थे। मकान मालिक 9 बजे तक घर पर ही थे, उसके बाद वे कीर्तन में चले गए। सुबह उनको सूचना मिली, जिसके बाद उन्होंने आकर देखा कि उनके मकान का ताला एवं कड़ी तोड़कर घर में रखी पेटी उठाकर चोर ले गए। साथ ही दो मोटरसाइकिल भी कॉलोनी से चोरी होना बताया जा रहा है। वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस थाना उप निरीक्षक BS चौहान निरीक्षण करने पहुंचे। थाना प्रभारी लखन सिंह बघेल ने बताया, CCTV फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। नगर में एक बार फिर चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। पूर्व में चोरियां हुई है, पूर्व का रिकॉर्ड देखते हैं और साथ में जो कॉलोनी में एवं कॉलोनी के आसपास जो कैमरे लगे हैं उनको करके अज्ञात आरोपियों को पता लगाते हैं और जो पूर्व में चोरी हुई है उसका भी हम अध्ययन करते हैं, क्या घटनाक्रम था और अज्ञात आरोपियों का शीघ्र से शीघ्र पता लगाएंगे। खरगोन जिले की भिकनगांव पुलिस ने अवैध हथियार को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 अवैध पिस्टल और 3 देसी कट्टे सहित 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों की निशानदेही पर हथियार बनाने की फैक्ट्री का भी किया भंडाफोड़। आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए पुलिस की यह एक बड़ी कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी ने खुलासा करते हुए बताया कि भिकनगांव थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली थी, गोयल पेट्रोल पंप के पास एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में काला बैग लिए खड़ा हुआ है। पुलिस द्वारा घेराबंदी करके आरोपी शिवम निवासी सागर को गिरफ्तार किया और उसके बैग से अवैध हथियार जब्त किए। आरोपी से पूछताछ करने पर उसने उत्तम से सिकलीगर निवासी सिंगूर से हथियार खरीदना बताया, जिसके बाद पुलिस द्वारा उत्तम से सिकलीगर के ठिकाने पर दबिश देकर हथियार बनाने की सामग्री के साथ उसे भी गिरफ्तार किया है। पुलिस इस मामले में दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। कल TI भिगन गांव को सूचना मिली थी कि एक बाहर का व्यक्ति जो सागर से आया हुआ है उसके पास अवैध हथियार हैं और उस सूचना के आधार पर जब उसको पकड़ा गया, तलाशी ली गई, तो उसके पास से अवैध रूप से बनाए हुए कट्टे जब्त हुआ है और सूचना के आधार पर इसको पकड़ने के बाद जब पूछताछ की गई और उसने एक सिगनूर के एक उत्तम सिंह नामक व्यक्ति जो है उससे हथियार लेना बताया था, इस पर पुलिस द्वारा वहां पे दबिश दी गई, सर्च किया गया तो उसके पास से पूरा एक कट्टे बनाने की फैक्ट्री के रूप में कई हथियार जो बने थे वो मिले और हथियार बनाने की सामग्री भी जब्त की है। अभी तक हमने जो है 7 कट्टे और 7 पिस्टल और 3 कट्टे जो 12 बोर के हैं जब्त किया है, अधबना कट्टा है और हथियार बनाने से हमने पुलिस ने जब्त की है। 2 लोगों की गिरफ्तारी किया गया है। सागर से जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसके वहाँ क्रिमिनल रिकॉर्ड से इस संबंध में पूछताछ कर रहे हैं।